नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमिर खान। हम तो चाहते थे कि पिछले साल की तरह हम एक अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करें और सिनिस्तान स्क्रिप्ट कंपटीशन के जो विनर्स हैं वहां हम रूबरू आपके सामने होकर इन विनर्स के नाम अनाउंस करें, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से हमें ये अनाउंसमेंट ऑनलाइन ही करनी पड़ रही है। एक मकसद था जिसको लेके हमने ये कॉन्टेस्ट के बारे में सोचा और फिर शुरू किया, और वो ओवरराइडिंग मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आकर्षित हो, कहानियाँ लिखें, उसको स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट में बदले, क्योंकि आज जो खोज जो चल रही है स्क्रिप्टों की वो बहुत एक जोशीले और बहुत एक डेस्परेट लेवल पर है राइट नाउ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इम्प्रूव आवर स्क्रिप्ट क्वालिटी सो दैट द क्वालिटी ऑफ सिनेमा गोज अप, एंड सून दिस लैंड ऑफ स्टोरी टेलिंग हैज़ टू ऑल्सो शो दैट टैलेंट, हैज़ टू शो दैट पोटेंशियल इन इट्स सिनेमा। मेरा ये सिनेसान स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट के साथ दूसरा साल है, और मैं ये बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा कि जिस मकसद से ये कॉन्टेस्ट शुरू किया गया था कि देश भर के राइटर्स इंस्पायर हों, देश के कोने कोने से स्क्रिप्ट यहाँ पे आए, जिन्हें लगता है कि उनकी स्क्रिप्ट्स मुंबई तक नहीं पहुँचती है वो स्क्रिप्ट यहाँ पहुँचे, और ज़्यादा लोग इंस्पायर हों और हर साल ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखी जाए, मुझे लग रहा है उस मंजिल की तरफ हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एज अ राइटर मैं उस फीलिंग को अंडरस्टैंड करती हूँ, समझती हूँ कि जब भी कोई हमारे काम की सराहना करता है, स्पेशली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब उसका अप्रिसिएशन होता है, तो हमें अंदर से लिखने का एक नया जोश मिलता है, नई उमंग जागती है, प्रोत्साहन मिलता है। The number of people who actually wrote, and they were, a lot of them are new writers. It was really very, very, it was very thrilling for us. To see thousands of people sent in their applications, so the response has been tremendous. So thank you very much for that participation. तो चलिए बगैर आपका और कोई वक्त लिए मैं पांचवें नंबर से शुरू करता हूँ। जूरी ने जो पांचवें नंबर पे स्क्रिप्ट चुनी है उसका नाम है Footprints in Water by Neetha Syam. Congratulations, Neetha. Fourth winner है अनुभव चोपड़ा, और उनकी स्क्रिप्ट का नाम है फुर, PHURR, फुर। सो कांग्रेचुलेशंस अनुभव। जो स्टोरी नंबर थ्री पे है वो है लाख मामला, रिटन बाय सोमिल शुक्ला। सोमिल कांग्रेचुलेशंस। So the script which has come to the second spot is entitled Guilt. Now there were two scripts with the name of Guilt which were submitted. So please do understand that this particular script is the one written by Digant Patil. He is the one who has written this, and it's a very well written script. दोस्तों, इससे पहले कि मैं नंबर वन प्राइज का अनाउंस करूं, मैं चाहूंगा कि इस वक्त मैं सिनिस्तान का शुक्रिया अदा करूं और आप सभी का शुक्रिया अदा करूं कि आपने इतने जोश से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट प्राइज की तरफ, जिसके लिए 25 लाख का इनाम है, और जूरी ने चुना है ये स्क्रिप्ट जिसका नाम है ऑन द बाउंड्री बाई सेजल पचीसिया। सीजल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसके साथ साथ आपके साथ जो चार विनर्स हैं आप पांचों को हमारी तरफ से खूब बधाइयां। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के नाम इन पांच की लिस्ट में नहीं होंगे वो ज्यादा मायूस ना हो, बल्कि और जोश से लिखे, क्योंकि यही तो वक्त है राइटर्स का। हर अच्छे फिल्म मेकर को एक अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। I wish you all continue writing more and more scripts, and I hope that our paths cross someday and you all write such wonderful scripts that I'm very greedy. I hope I can make them someday. मुझे खुशी है कि as a jury member of Sinistan India Storytellers Contest मैं आपकी इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा बन पाई हूँ। अब क्योंकि कॉन्टेस्ट है इसलिए जाहिर है कि विनर्स भी थोड़े ही हैं, बट आई रियली होप कि इस बार जो लोग टॉप फाइव में नहीं आ पाए हैं वो प्लीज निराश ना हो, वो प्लीज लिखना ना बंद करें। गाइज, कीप राइटिंग।